देखिएगा ये एलजी का दोस्तों, एम अभी मैं सी आपको डी एलजी बताने का एम जा रहा सी हूँ डी है, एलजी का छोटा एल ई मॉड्यूल डी, है, ब्लैक में देख ले, उसका इसकी मॉडल कितनी नंबर कंपनी का आपको मैं ये बता है। देता हूँ। नॉर्मल सॉल्यूशन है, दोनों कनेक्टर को निकाल कर नहीं, इसका डायरेक्ट मॉडल नंबर है, उसको सोल्डरिंग किया एलजी का जाता है। एलईडी है, बाकी मेरे एल पास जी के एल ई डी कनेक्टर में भी नहीं प्रॉब्लम थे आ रही तो है, मैंने इसमें इसको पिक्चर आ जाती सोल्डरिंग है, किया लेकिन है और इसका बैक डायरेक्ट लाइट इसमें वायर से ऑन जम्पर होता लगा है और दिया ऑन है होने के बाद फिर वापस से ऑफ हो जाता है। और अब मेरा एलजी का जो फिर मैं प्रॉब्लम है वो आपको इसको प्रॉब्लम ऑन हल हो करके बता चुका देता है। हूँ। पहले क्या है, घंटे एक घंटे चलने के बाद इसमें प्रॉब्लम आती देख पा थी, रहे हैं, इसको मैंने पलटी मार कभी दिया है, चालू ही नहीं होता था, मैं इसका प्लग लेकिन लगा अब रहा हूँ, लगातार इसको प्लग लगा के मैं ऑन कर रहा दो हूँ। दिन से मैं इसको देख रहा हूँ, ट्राई किया है मैंने, मेरी प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। और आप भी चाहें तो इस समस्या का हल ऐसे कर सकते हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका मैसेज कर ये एक सकते मैंने हैं। इसमें ऑपरेशन किया है, कनेक्टर थैंक यू, धन्यवाद। पे, ये कनेक्टर में ब्लैक शॉर्टिंग आई थी। मैंने इसको क्या है कि ये देख सकते हो, मैंने इसमें ये वाला सर्किट कनेक्ट किया है और ये जो इसका सर्किट है पूरा निकाल दिया है, डायरेक्ट इसी के ऊपर सोल्डर किया है और अब मेरा बैकलाइट प्रॉब्लम हल हो चुका है। ये कंप्लीट सर्किट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम इसी सर्किट में था। और अब मेरा क्या है, एलईडी टीवी कंप्लीट चल चुका है और इसके लिए मैं आपको बता सकता हूँ। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पहले प्रॉब्लम थी इसमें 2 मिनट चलने के बाद ये बैकलाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाती थी, ये साउंड आती रहती थी ओनली। अब ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू मेरे फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।